हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टेंट पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं। गाइस, वैसे तो अगर आप ये जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी दो चार पाँच मंथ थोड़ी ओल्ड हो गई है, बट गाइस हम क्या करेंगे कि आज स्टेप बाई स्टेप पीएनबी में ऑनलाइन एक अकाउंट खोलने का प्रोसेस जानेंगे। और गाइस, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप यहीं से सेविंग एंड जनरल एंड करेंट वाले अकाउंट जो हैं वो यहीं से ओपन कर सकते हैं, और उसका जो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और कब बैंक में जा ब्रांच में जाके हमें वहां पे सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, और क्या प्रोसेस है, गाइस इस वीडियो में हम चल के आगे जानेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेरी एक ये जो वीडियो थी जो मैंने काफ़ी ओल्ड हो गई है, काफ़ी पहले डाली थी मैंने, तो इस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा सारा प्यार दिया है गाइज, तो मैं चाहता हूँ कि और वीडियोस मैं ऐसे ही लाता रहूँगा गाइज, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इस वजह से कर लें बिकॉज मैं ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स आपको डेली अपलोड करूँगा और डेली आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक है गाइस, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, या आपको सिंपली गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है पीएनबी अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, ये हमने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपको पहली लिंक क्लिक करनी है ये। ठीक है, इस टाइप का पॉपअप खुलेगा, आपको पहली लिंक क्लिक कर लेनी है, और ये मैंने पहली लिंक क्लिक कर ली। ओके गाइस, ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, ये जो लिखा है क्लिक हियर टू ओपन द ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। गाइस, कुछ लोग मैंने देखे हैं ये थोड़ा सा ओनली दो तीन स्टेप के 100 रुपये ले लेते हैं, साइबर कैप पे 100 या 50 रुपये ले लेते हैं, तो गाइस ये आपके सिंपली स्टेप से आराम से बच सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा चार्ज दूसरे को कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये ट्रिक ओनली आप अपनी फैमिली मेम्बर में किसी का अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट उत्तर प्रदेश है हमारी, और गाइस यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, एंड यहाँ पे आपको सिटी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस भी ब्रांच में आपको अकाउंट खुलवाना है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। पहले मैंने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, एक मिनट, यहाँ पे सिंचाई के वो, यस गाइस, ये मैंने सिटी सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे जब आप सिटी सिलेक्ट करेंगे तो उस सिटी की सारी जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो ब्रांच आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे अपने लोकेशन से नियरेस्ट ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए गाइस। ठीक है, अब आप नियरेस्ट ब्रांच जब सिलेक्ट कर लेंगे, आपको ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसी ब्रांच विजिट करना है। ठीक है गाइस, अब आपको कस्टमर नेम डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है गाइस, ये तीनों मैंडेटरी हैं। ठीक है, आपको इस दोनों पे क्लिक करके और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही गाइस आप सबमिट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक TCRN नंबर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, TCRN नंबर जाएगा, वो TCRN नंबर आपको यहाँ प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे डालना है। अब वो TCRN नंबर गाइस मेरे पास है, मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ 100320212251। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ 321V। ओके गाइस, अब यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का फॉर्म एक ओपन हो जाएगा फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ये हमें जो भी अकाउंट टाइप पूछ रहा है गाइस, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं अकाउंट टाइप, हमें जो भी अकाउंट खुलवाना है वो मोस्टली हमें सेविंग फंड जनरल ये वाला अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं, यहाँ पे हमें पब्लिक पे ही लगे रहना है, पब्लिक पे कर देना है, और यहाँ पे नेम आपको अब डाल देना है। ये गाइस मैंने ऑलरेडी भर दिया था पहले, जो यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना जिस भी क्लाइंट का आप कर रहे हैं सबमिट, यहाँ पे नेम डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से देख के डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और यहाँ पे पूरा भरा हुआ है गाइस,
मेरा भरा है, मैंने ऑलरेडी भर लिया है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं बेसिक्स ही ये सारी डाल देनी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो गाइस आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या इंस्टा या मेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गाइस सिटी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लिया यूपी। एंड गाइस देखते हैं आगे क्या है, ईमेल आईडी डली हुई है और आगे क्या है, ओके। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस कुछ रह रहा है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया ओके, ये हो गया। हाँ गाइस यहाँ पे हमें सिटी और सिलेक्ट करना था, ठीक है। प्लीज़ ज़रा देख के भरिए गाइस, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो ये पूरा सबमिट नहीं होगा गाइस, तो इस वजह से थोड़ा देख के और एक एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आप प्रोसेस पूरा करें, क्योंकि ये अकाउंट एक बार अगर हम गलती कर देते हैं तो दोबारा से फिर दूसरा नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। और हमें बड़े अच्छे से देख के चेक कर करके हमें डालना है, ठीक है। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस थोड़ा हो रहा है और ये गाइस थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे हमें माइनर डिटेल्स, माइनर आप जानते हैं 18 माइनस जो होते हैं वो माइनर डिटेल्स अगर हैं तो आप यहाँ पे भर लीजिए, अदरवाइज नहीं, ये 18 प्लस है तो यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स, ये तो आप जानते हैं, नॉमिनी डिटेल्स भर दीजिए। मैं यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स भर दे रहा हूँ, जो भी हो रिलेशन डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उनके जहाँ पे रह रहे हैं प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डालना है गाइस। और यहाँ फिर से सिटी सिलेक्ट करना है, इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सिंपली आपको कर देना है शहर में, ये कर देगा। और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे हमें तीनों पे टिक कर देंगे, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये टिक कर देंगे। और यहाँ पे हमें नो सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल, ओके गाइस। और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो देखो गाइस कितना सिंपल है ना, ये हो गया हमारा सबमिट। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, द फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, योर अकाउंट इज रेडी टू ओपन, प्लीज गो टू द ब्रांच सिलेक्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 7 days, ओके गाइस। हमें यहाँ पे विद इन 7 days, यहाँ पे 7 days अपने नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करना है जो भी आपने सिलेक्ट की थी, ठीक है। यहाँ पे हमें वहाँ पे 7 days में पहुँच जाना है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस गाइस, कैसी लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।